को थाना रामनगर के भीटी क्षेत्र में धुंधराज पुलिया के पास एक डेड बॉडी मिली थी। डेड बॉडी पे कुछ घाव थे जो कि स्पष्ट प्रतीत नहीं हो रहे थे किस तरह की इंजरी है। उसको नियमानुसार पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के पश्चात इसमें जो इंजरी पाई गई उसके हिसाब से 302 IPC की FIR इसमें पंजीकृत की गई और इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की गई। घटनास्थल पर हम लोगों ने जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है, FSL की टीम, हमारी जो रामनगर थाने की टीम है, वो सारी टीमें वहाँ पे पहुँच करके उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया। इनके जो परिजन थे, परिजनों से वार्ता की गई। इन परिजनों से वार्ता के क्रम में कोई बहुत उल्लेखनीय जानकारी नहीं हो सकी और अज्ञात में इसकी FIR पंजीकृत की गई थी। कुल मिलाकर पूरी तरह से ब्लाइंड घटना ये थी। इसमें जो घटना को वर्कआउट करने के लिए CO कोतवाली साहब के नेतृत्व में और SI रामनगर, बाकी हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं रामनगर के, इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम के द्वारा इसको घटना को वर्कआउट करने के लिए कार्य प्रारंभ किया गया। जो घटनास्थल से फिजिकल एविडेंस थे उन फिजिकल एविडेंस को विश्लेषित किया गया और जो इससे रिलेटेड डिजिटल एविडेंस थे जितने, उनको भी हम लोगों ने संकलित किया और उनका भी विश्लेषण किया। जो इसमें संबंधित लोग थे, जो मृतक श्री राम नारायण यादव थे, इनसे संबंधित जो भी लोग थे उनसे सबसे पूछताछ की गई, सबकी गतिविधियों की जांच की गई। जो इनकी एक्टिविटी जानकारी हुई कि एक दिन पहले, जिस दिन डेड बॉडी मिली थी उसके एक दिन पहले 6 तारीख को ये अपनी दुकान से निकले थे, उसके बाद चौक चौराहे के पास आकर के वहाँ से फिर ये मिसिंग हुए थे। इसमें हमको जो CCTV कैमरे लगे थे उनसे भी कई महत्वपूर्ण, बड़े महत्वपूर्ण क्लू प्राप्त हुए। उसके आधार पर इसमें घटना में अंकित नाम के एक अभियुक्त को चिन्हित किया गया, अंकित और कचाली। और आज हमारी टीम ने सारे जितने हमें सुराग इसमें प्राप्त हुए थे सबकी कड़ियाँ जोड़ते हुए हमारी टीम ने इसमें 2 गिरफ्तारियाँ की हैं। अंकित और कचाली दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और 2 अभियुक्त इसमें भी फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी शेष है, ऋषभ पांडे और सद्दाम। जो सारे साक्ष्यों के विश्लेषण से, जो संबंधित लोग हैं उनसे पूछताछ से जो कहानी इसमें निकल करके आई, उसमें ये रहा कि जो मृतक राम नारायण यादव थे इनके द्वारा कुछ पैसे अंकित को दिए गए थे। अंकित चौक चौराहे के पास पूरी याद की दुकान चलाता है। बाद में फिर अपने पैसे इनके द्वारा उससे अंकित से जब मांगे जाने लगे तो उसमें दोनों के बीच में कुछ कहा सुनी हुई। अंकित वो पैसे देने से मना कर रहा था या जो इनकी अपेक्षा थी समय से पैसे दे नहीं पा रहा था, जिसको लेकर के दोनों लोगों में वाद विवाद हुआ। और उसी वाद विवाद के बाद अंकित के द्वारा ये पूरा प्लान बनाया गया कि हमको इनको हम किसी तरह अपने रास्ते से हटा दें तो हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और बाकी हमारा ये बाधा ये आकर के हमको प्रेशर बनाते हैं पैसे देने के लिए। इसी की स्कीम और प्लान इसने अपने साथियों के साथ बनाया और इसके द्वारा एक पिस्टल मंगाई गई, पिस्टल लिया इसने। जिस दिन की घटना है उस दिन पुनः ही अपनी दुकान से निकलने के बाद मृतक अंकित के यहाँ पैसे मांगने के लिए गए हुए थे। इसके बाद अंकित को के द्वारा इनको अपनी दुकान के अंदर बुला लिया गया शराब पीने के बहाने से और पैसे का हिसाब किताब करने के बहाने से। ये दुकान के अंदर गए और उसी क्रम में अंकित के द्वारा अपनी दुकान के अंदर ही इनको गोली मार दिया गया और उसके बाद अपने साथियों को बुला करके उस दिन भर डेड बॉडी उसकी दुकान में रही और उसके बाद शाम को ले जा करके उसी पुलिया के नीचे, धुंधराज पुलिया के नीचे इनकी डेड बॉडी को एक ऑटो रिक्शा से ले जा करके वहाँ पर फेंक दिया गया। घटना में कुल 4 लोग सम्मिलित रहे हैं, अंकित मदनवाल, कपाली, 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी 2 इनके और साथी ऋषभ और सद्दाम है जिसका ऑटो रहा है उनकी गिरफ्तारी शेष है, उनके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जो अभियुक्त हैं उनसे और गहन पूछताछ की जा रही है, जो फैक्ट निकल करके आएंगे उसमें उसके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर जो उनकी गिरफ्तारी हुई क्या इनका कुछ लाभ कोई रिकॉर्ड रहा है क्राइम से रिलेटेड? नहीं, इनसे अभी हमारी टीम पूछताछ कर रही है, अभी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, बाकी हमारी टीमें अभी बहुत ही गहन इनसे पूछताछ कर रही है और जो आगे निकल करके आएगा उसके आधार पर लीगल कार्रवाई।